नमः ओम विष्णु पदाय श्री रूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवानी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शिलेना सर्वानंद विधायिने नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पिस्ता भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देशे तारिणे SB 1.1.14 आपन्ना संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो घृणन् तदा सद्यो विमुच्येत यद्भी भेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। का तात्पर्य, वसुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है और इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। यहाँ तक कि रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर भी ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए हैं। तो भगवान जो है उनके नाम से भी भय भी भयभीत हो जाता है। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियाँ अपने नाम में प्रदान कर रखी है, यानी कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में डाल रखा है। उनके नाम में उनकी सारी शक्तियाँ हैं और हर वो वस्तु जो उनसे संबंधित है उनकी प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है, उनके नाम में। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। भय भी भय, कृष्ण के नाम मात्र से भय भी भयभीत हो जाता है। तो ये इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण की तरह ही सर्वशक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। और इसलिए ये बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। भगवान कृष्ण का जो नाम है वो नाम हम जैसे ही बोलते हैं वैसे ही श्री कृष्ण भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। माने कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। हम चाहे उस नाम को अच्छे से उच्चारण करके पुकारे या कभी कभी हमें अनजाने में भी भगवान कृष्ण का नाम अगर ले लेते हैं तो उससे हम तुरंत मुक्त हो जाते हैं। इस तरह हम भगवान के नाम से बहुत इस जो कलयुग के कारण हम जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए हैं, कलयुग इस कलयुग में हो या हम किसी भी युग में हो, लेकिन हम जन्म और मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव आत्माएं हैं। अगर हमें इस जाल से निकलना है, हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि हम जन्म और मृत्यु के जाल में उलझे हैं? बिकॉज ये जो शरीर है ये हम नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। और हम बार बार इस शरीर के जन्म लेने में भी बहुत कठिनाई है और मृत्यु के समय भी, अंत समय जब आता है तब 42,000 बिच्छों के काटने का दर्द सहन करना पड़ता है। इसलिए मृत्यु भी उतनी ही भयानक है इस शरीर का, और इस शरीर का जन्म लेना भी उतना ही तकलीफदेह है, कष्टकारक है। तो इसलिए जब हम इस शरीर में आते हैं तो हम कोई सुख नहीं भोगते, इस शरीर के कारण हमें बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। दिखने में ऐसे लगता है जो लोग मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या जो उस लेवल पर हैं वो नहीं समझ पाते हैं, वो नहीं देख पाते हैं कि ये जन्म और मृत्यु के बीच में हम फंस कर रह गए हैं। हम बार बार एक नया शरीर धारण करते हैं और दोबारा से वही सब कुछ करते हैं जो हमने पिछले बॉडी में किया था, हम नेक्स्ट बॉडी में आकर भी वही सब कुछ करते हैं और फिर वापस एक नया शरीर धारण करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं ख़त्म हो रही, हमारे भोग करने की इच्छा ख़त्म नहीं हो रही। इसलिए भगवान का ये, क्योंकि जो इस संसार में आता है वो सिर्फ कष्ट ही भोगता है, तो इस
उलझे हुए जीवन में से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें जानकर या अनजाने में भी अगर हम कृष्ण का पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो हम तुरंत मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा।